दोस्तों अगर आप ढूंढ रहे हैं कि अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं कैसे उस पर स्क्रॉलिंग लाइन लगाते हैं कैसे उस पर लोगो लगाते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे? सो so, ये वीडियो आपके लिए है ये सारी चीज़ों के लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन इस वीडियो में मैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर की बात करने वाला हूँ जिससे ये सारा काम आप बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे बिना वीडियो एडिटिंग सीखे और बिना आप किसी पेड सॉफ्टवेयर को परचेज करेंगे और सब कुछ सीखने वाले हैं कि कैसे बिल्कुल फ्री में अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं तो नमस्कार मैं अविनी भरद्वाज तो आपका स्वागत करता हूं माई बिग ग्स मार्ट क्लास में और चलिए जल्दी से जानते हैं कैसे करते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड सो so, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सिंपल आपको ओ टाइप कर देना है जब आप ओ टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर का ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर यानी ओ बी सो इस पर क्लिक करिए यहाँ पे आपको विंडोज मैको एस लिनिक्स तीनों के ऑप्शन दिखाई देंगे अब तीनों में से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे पास विंडोज़ है अब ये विंडोज़ 8, 8.1 और 10 सभी को सपोर्ट करता है 7 हो तो वहाँ भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपके विंडोज़ में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा ये सेवेंटी टू का सॉफ्टवेयर है अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ये साथ के साथ डाउनलोड हो जाएगा सो so, आपको कुछ सेकेंड्स वेट करना है देखिए सॉफ़्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड हो गया है इस पर आपको डबल क्लिक करना है ताकि ये रन करने लगे अब यहाँ पे आपको इसे यहाँ से रन करना है इसके बाद यस करना है ताकि ये विंडोज़ में इंस्टॉल हो सके और इसे अपने कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर लीजिए सो so, जब ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से ओ स्टूडियो को ओपन कर लेना है तो जब पहली बार आप ओ को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा हो सकता है शुरुआत में ये आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो लेकिन मेरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद में यहाँ जो भी डाउट्स हैं आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि ओ में स्क्रीन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं यहाँ पर सारी चीज़ आपको ब्लैंक्स दिख रही हैं कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे ये जो स्क्रीन है ये आपकी मेन स्क्रीन है और यहाँ पे आपको इसके नीचे दिखाई देगा सोर्स का ऑप्शन अब सोर्स के ऑप्शन में आप कई सारी चीज़ें यहाँ पे जोड़ सकते हैं अगर आपके पास वेब कैम है आपका कंप्यूटर स्क्रीन है आप इंटरनेट के किसी स्क्रीन को यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं किसी एप्लीकेशन के डिस्प्ले को यहाँ पर आप लिखे आना चाहते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर आप ला सकते हैं यहाँ पर नीचे आपको प्लस का एक आइकन दिखाई देगा इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑप्शन डिस्प्ले कैप्चर का इस पर क्लिक कर दीजिए अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा क्रिएट न्यू डिस्प्ले कैप्चर सो अगर आप इसको कोई नाम अलग से देना चाहते हैं तो ठीक है आप एक साथ में कई सारे डिस्प्ले को कैप्चर करना चाहते हैं सो so, यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं ताकि आप उसे पहचान सकें आप पहचानना क्यों है क्योंकि यहाँ पर जब सोर्स में एक से ज़्यादा चीज़ों को आप जोड़ लेंगे तो अगर उसकी लेयर को ऊपर नीचे आपको करना है यानी एक डिस्प्ले के नीचे दूसरे डिस्प्ले को लेकर आना है तब यहाँ पर नाम का होना बहुत ज़रूरी है सो इसे यहाँ से हम जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी मेरे डिस्प्ले पे जो विंडो कैप्चर हो रही है वो कुछ इस तरह की आपको दिखाने दिखने लग जाएगी ढेर सारे एकदम मिरर जैसा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा सो अभी मैं यहाँ से अपने कंप्यूटर की जो दूसरी स्क्रीन है उसको यहाँ पे लेकर मेरे कंप्यूटर में दो डिस्प्ले लगे हैं अगर आपके में नहीं लगे होंगे तो कुछ इस तरह का डिस्प्ले आपके कंप्यूटर में आपको दिखना शुरू हो जाएगा चलिए उदाहरण के लिए मान लेते हैं हम इसी स्क्रीन को कैप्चर करना चाहते हैं अगर मैं चाहूँ तो दूसरे सोर्स को भी अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लूंगा तो कुछ इस तरह का डिस्प्ले मुझे दिखाई देने लग जाएगा आपके कंडीशन में क्या होगा कि आपको थोड़ा सा आगे वाले पार्ट को एडिट करना होगा क्योंकि जब हम कैप्चर शुरू करेंगे स्क्रीन को तो आपकी डिस्प्ले पे ये चीज़ आपको ज़रूर दिखाई देगी सो यहाँ पे हम दूसरी स्क्रीन को ले लेते हैं और यहाँ से इसको ओके कर देते हैं सो देखिए ये स्क्रीन ओ पे दिखने लग गई है अब सिंपली यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग का सो इस समय से जब आप यहाँ पे इस बटन को दबाएंगे तो आपका जो ये डिस्प्ले है वो कैप्चर होना शुरू हो जाएगा चलिए इस बटन को यहाँ पे प्रेस कर देते हैं अब इस समय जो डिस्प्ले है वो कैप्चर होना शुरू हो गया है और देखिए यहाँ पे मैं जो भी एक्शन लूँगा जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा वो यहाँ पर कैप्चर होना शुरू हो जाएगा मैं यहाँ पे कोई भी ट्यूटोरियल कुछ भी आ, जो भी दिखाना चाहूँगा वो यहाँ पे अभी कैप्चर हो रहा है स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है और जब भी मैं इसको यहाँ से स्टॉप करूंगा तो ये जो रिकॉर्डिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी अब ये रिकॉर्डिंग हमें दिखाई कहाँ पे देगी ये रिकॉर्डिंग हमें दिखाई देगी शो रिकॉर्डिंग वाले टैब पे जाके आप फाइल पे जाएंगे शो रिकॉर्डिंग के टैब पे जाएंगे सो अभी यहाँ पे जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा अभी यही आप देख रहे हैं कि ये वीडियो अभी मैंने OBS के थ्रू रिकॉर्ड किया है सो so इस तरह से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अब इसके साथ में हल्की फुल्की आपको कुछ एडिटिंग करनी है मान लीजिए यहाँ पे आपको अपना लोगो लगाना है या फिर एक स्क्रॉलिंग लाइन यहाँ पे आपको देनी है ताकि रिकॉर्डिंग के साथ में अगर आप किसी को क्लासेस दे रहे हैं तो आपके चैनल का लोगो या आपकी क्लास का लोगो या वहाँ पर आपका कोई मैसेज आपका मोबाइल नंबर आप देना चाहें आप ई मेल देना चाहें तो वो कैसे दे सकते हैं वो भी आप ओ के थ्रू लाइव कर सकते हैं ये बहुत आसान है सो so, यहाँ पे आपको दोबारा से सोर्स वाले ऑप्शन पे जाना है पहले मैं आपको लोगो लगा के दिखा देता हूँ अभी देखिए ये स्क्रीन कैप्चर हो रही है मेरी दूसरी वाली लगातार आप यहाँ पे देख रहे हैं सो so, अभी मैं आपको लोगो लगा के दिखाता हूँ मैं जाऊँगा ये प्लस के आइकन पे दोस्तों अब आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं हमारे साथ आपको जाना है हमारी वेबसाइट प्रो पर और यहाँ पर आपको कोर्स वाले टैब पे क्लिक करना है यहां पर आपको मिलेंगे डेटा एंट्री एम एस ऑफिस एम एस वर्ड एम एस एक्सएल पावर पॉइंट और टेली जैसे कोर्सेज जिन्हें आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर से कर सकते हैं इन कोर्सेज में आपको पावरफुल वीडियो ट्यूटोरियल मिलने वाले हैं लाइफ टाइम की एक्सेस मिलने वाली है लाइफ टाइम का अपडेट मिलने वाला है और साथ में जिन वीडियोज के साथ में जरूरी है उनके साथ में हमने प्रैक्टिस फाइल भी दी है कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिया जाएगा तो जल्दी से लॉग इन कीजिए प्रो कम्प्यूटर कोर्स डॉट कॉम पर और यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा इमेज का इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ लोगो इसको ओके okay करूंगा मैं अब जैसे मैं ओके okay करूंगा तो यहाँ पे आपको ब्राउज का ऑप्शन दिख जाएगा इस पर आप ब्राउज करेंगे मैंने अभी अपना एक लोगो अपने वेबसाइट का यहाँ पर ले रखा है और इसे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ जैसे आप ओपन करेंगे तो इस तरह का लोगो आपको डिस्प्ले होगा इसे यहाँ से ओके कर देना है अब देखिए ये लोगो यहाँ पे आ गया बाई ये कॉर्नर पे जाके दिखाई देगा अब इसकी जहाँ भी आप पोजीशन ले जाना चाहें वहाँ आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं इसके साथ में आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं ये जो लोगो है ये रिकॉर्डिंग जब भी आप अपने स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करेंगे तब ये हमेशा वहाँ पर आपको दिखता रहेगा आपको बार बार कहीं से इसको उठा के रखना नहीं है यानी आप चाहे दो घंटे की रिकॉर्डिंग करें चाहे तीन घंटे की रिकॉर्डिंग करें ये लोगों हमेशा दिखता रहेगा तो इसको अगर आप चाहें तो थो थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं या इस कॉर्नर पर ले जा सकते हैं तो मैं यहाँ पर इसको ले जाता हूँ इसके बाद में मैं आपको नीचे यहाँ पे एक स्क्रॉलिंग लाइन भी लगाना बताने वाला हूँ कैसे एक स्क्रॉलिंग टेक्स्ट हम लगाते हैं जिसमें हम अपना मोबाइल नंबर या और सारी जो जानकारी है वो हम दे सकते हैं सो so, uh, जो टेक्स्ट है वो पहले से आपको कहीं भी हिंदी में uh, लिख के रखना है ताकि uh, जब भी आप उसको कॉपी या पेस्ट करें तो आपको आसानी से मिल जाए सो so, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट हिंदी में लेके रखा है एम एस वर्ड में और इसको मैं एज अ स्क्रॉलिंग लाइन यहाँ पे आपको चला के दिखाने वाला हूँ कैसे हम इसे चलाते हैं सो so, आप भी कहीं भी हिंदी में कोई भी टेक्स्ट टाइप लेके रख सकते हैं इसके बाद में आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट जी डी आई प्लस का इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसको ओके कर देना है अब वही बात आती है कि आपको नाम चेंज करना है इसका तो कर सकते हैं फिलहाल में अगर कम चीज़ें हैं तो नाम चेंज करने की आवश्यकता आप नहीं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती रहेंगी अब इस टेक्स्ट को आपको जो पीछे वाले विंडो पे मैंने रखा है एम एस वर्ड में वहाँ से मुझे कॉपी कर लेना है मैंने कॉपी कर लिया इसको और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया अब जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे तो ऊपर इसका आपको डिस्प्ले दिख जाएगा ये देखिए ये ये टेक्स्ट अभी पीछे आपको दिखने लग गया है अब इसका साइज़ वगैरह आप अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आपको फोंट के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा हो तो आप इसे छोटा कर सकते हैं तो मैं 72 को सेलेक्ट करता हूँ और ओके okay कर देता हूँ सो so, अब ये स्क्रीन के हिसाब से थोड़ा सा ठीक मुझे दिखने लग गया है देखिए दोनों साइड इसका प्रिव्यू आपको दिख जाएगा अब इस टेक्स्ट के पीछे आपको एक पट्टी लगानी है ब्लैक कलर की सो so, यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं भाई टेक्स्ट ऐसे तो दिखेगा नहीं बैकग्राउंड कलर आपको लगाना बहुत ज़रूरी है सो so, यहाँ से आप इसको बैकग्राउंड की ऑफिसिटी को जैसे ही आप बढ़ाएंगे यहाँ से वैसे आपको बैकग्राउंड पे कलर दिखने लग जाएगा अभी एक एक चीज़ और हो रही है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ मात्राएँ कट रही हैं सो so, इसके लिए आपको यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करना है और यहाँ से एरियल यूनिकोड एम एस फोन को सेलेक्ट कर लेना है इसको जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो होगा क्या जो आपकी मात्राएँ भी कट रही थी वो कटना कटेंगी नहीं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इसे यहाँ से आपको ओके okay कर देना है और इसको यहाँ से फिर से ओके okay करना है सो so, एक जो पट्टी है स्क्रॉलिंग पट्टी वो आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगी इसको आप जहाँ भी चाहें वहाँ उठा के रख सकते हैं लेकिन अभी भी ये स्क्रॉल नहीं कर रही है या तो आप बिल्कुल इसको बॉटम पर रख लीजिए थोड़ा सा अगर साइज़ आप इसका बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए ताकि ये अच्छे से दिखाई दे सो अब इस टेक्स्ट को हमें स्क्रॉल कराना है अभी तक ये स्क्रॉल नहीं कर रहा है तो स्क्रॉल कराने के लिए क्या करना है जो सोर्स वाला ऑप्शन है उस पर जाना है टैक्स जी डी आई पे क्लिक करना है राइट right क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फिल्टर्स का ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिखेगा इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से स्क्रॉल पे क्लिक कर देना है स्क्रॉल को जैसे आप ओके करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे यहाँ पे आपको लूप का ऑप्शन मिलेगा लूप का ऑप्शन क्या करेगा कि जब भी आपका टेक्स्ट खत्म होगा तो दोबारा से वो उसको दोबारा से शुरू कर देगा एकदम से ब्रेक नहीं होगा आपका टेक्स्ट बार बार चलता रहेगा ऑटोमेटिक और यहाँ पे आपको दिखाई देगा हॉरीजेंटिकल स्पीड का ऑप्शन जैसे जैसे आप हॉरीजेंटिकल स्पीड के ऑप्शन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका टेक्स्ट मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ देखिए यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा अब इसकी जो स्पीड है वो आप कितनी रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है मेरे हिसाब से अगर आप इसकी स्पीड को फिफ्टी पे सेट कर देंगे ये देखिए इतना तो ये टेक्स्ट ठीक से पढ़ने में भी आएगा और स्क्रॉल भी करेगा देखिए इस तरह से सो so, चलिए हम अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं यहाँ से करते हैं हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है नीचे आपको देखना शुरू हो गया टाइमिंग अब एम एस वर्ड में हम कुछ काम करते हैं चलिए यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करके देख लेते हैं सो so, हमने यहाँ पर टेबल को इंसर्ट किया और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हम एंटर करके देखेंगे ये देखिए इसके बाद में सिंपल स्टॉप रिकॉर्डिंग के बटन पर क्लिक करके हम अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे अब चलिए देखते हैं कि जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो हुई है या नहीं तो फाइल पे जाएंगे शो रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक जो फाइल ये जो बनी है ये आ...

माई बिकेर डॉट कॉम का रिजल्ट मिल जाएगा लर्निंग जोन दिया गया है इसके अलावा इंटरनेट यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज यहाँ पर हमने पचास से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं हैं तो यहां पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है ब्लू व्हील गेम के बारे में बताया है कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है वाईफाई या लाईफाई क्या होता है तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहां पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है लगभग एक चीजों के बारे में हमने पर बताया हुआ है तो ये एक आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं